हेलो नमस्ते, राम राम। आप सभी को स्वागत है। मैं आई हूँ आज एक नया रेसिपी वीडियो लेके आप लोग के साथ शेयर करने के लिए। अपना खुद का घर का खेती का सब्जी, कद्दू के पत्ते और उसके डंडे की सब्जी शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, फ्रेश फ्रेश कद्दू के पत्ते और डंडे मैं तोड़ रही हूँ। ये देखिए, हमारा एक कद्दू भी हुआ है फ्रेश, तो इसे मैं ले जाकर इसकी सब्जी बनाऊंगी। आज वही रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह की सब्जी किस किस को पसंद है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोग ऐसे खाते हैं या नहीं वो भी बताना। मैंने इसका छिलका निकाला और उससे अच्छे से देखना पड़ेगा, इसका कीड़ा वगैरह भी होता है, तो मैंने उसकी साफ़ सफाई की और छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया। हरी सब्जियां खाने से सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और ये तो फ्रेश फ्रेश घर की खेती का सब्जी है, तो इसमें कोई दवाई वगैरह भी नहीं है, तो इसे खाने से तो और ही अच्छा होता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। एक बार बना के ज़रूर ट्राई कर लेना। बाज़ार की मेडिसिन वाली सब्ज़ी से तो अच्छा है घर की सब्ज़ी खाना, लेकिन क्या करें, बाज़ार भी का सब्ज़ी भी लाना ही पड़ेगा। हाँ, उन लोग के लिए सही है जो घर में खेती करते हैं और खेती का सब्जी खाते हैं, तो हमारे लिए तो वो पॉसिबल नहीं है। हम तो बाज़ार से भी लाते हैं, थोड़ा बहुत है घर पे, तो कभी कभार घर की सब्ज़ी भी मैं बना लेती हूँ। तो ये घर का ही सब्ज़ी था, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग के साथ भी शेयर किया जाए। तो मैंने इसे चॉप कर लिया और मैं इसे धो रही हूँ। अच्छे से धोना चाहिए, मिट्टी वगैरह होता है, तो इसको अच्छे से 2-3 पानी धो लेना चाहिए। तो फिर मैं लग गई इसे बनाने की प्रोसेस में, चूल्हे पे नहीं गैस पे। तो मैंने डाला ये तेल, मस्टर्ड ऑयल और थोड़ी सी जीरा और थोड़ा सा मेथी के दाने और एक लाल मिर्च। हरी वाली सब्जी में लाल मिर्च अच्छा लगता है। और इसमें ऐड किया मैंने नमक और हल्दी पाउडर, और ऐड किया कद्दू के पत्ते और उसके डंडे। सिंपल सा रेसिपी है, आप लोग भी घर पर ट्राई कर सकते हैं। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस पर मैंने थोड़ा सा जीरा और धनिया का पाउडर ऐड किया और इसे ढककर पकने के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दिया। ढकने के बाद बीच बीच में इसे चेक करते रहना चाहिए और चलाते रहना चाहिए, नहीं तो नीचे से ये चिपक जाता है और जलने का चांस होता है, तो इसे बीच बीच में चलाते रहिए। ये देखिए, मेरा सब्जी बनकर तैयार हो गया। तो कैसा लगा आप सभी को ये रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर देना। ये डंडे वाला ना मुझे बहुत ही पसंद है, पत्ते से ज़्यादा डंडा ही पसंद है, तो मैं आप सभी से दिखा रही थी डंडा। मैंने तो इसे चावल के साथ लिया था, आप चाहे तो इसे रोटी के साथ भी खा सकते हैं, अच्छा लगता है। तो कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।